नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी में चोर बेखौफ हो चुके हैं। रोड़ाई थाना क्षेत्र के गांव मोहिद्दीनपुर में हुई वारदात इसका जीता जागता उदाहरण है। अब पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया है। वहीं चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ठीकरी पहरा लगाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन देखना होगा कि हालात सुधर पाएंगे या नहीं। जानकारी के मुताबिक जिले के गांव मोहिद्दीनपुर में वीरवार की रात 4 चोर ग्रामीण रामविलास के घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं। ग्रामीणों को इस दौरान चोरी की भनक लग जाती है। जैसे ही पड़ोसी सुनील अपने भाई के साथ घर से बाहर निकलता है तो चोर उस पर गोली दाग देते हैं, लेकिन किसी तरह से सुनील बच जाता है। चोर गांव से जब भाग रहे थे तो सुनील व अन्य ग्रामीणों ने उनका पीछा किया। इसी दौरान चोरों ने अपने आप को घिरता देख दूसरी गोली दाग दी। गोली सुनील के कंधे में लगी, जिसके चलते वह अचेत होकर गिर पड़ा। मौका पाकर चोर वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत सुनील को रेवाड़ी शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर ऑपरेशन के बाद गोली को निकाल दिया गया है। लेकिन रेवाड़ी में जिस तरह से लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि चोरों में पुलिस का भय दिखाई दे। बता दें कि वीरवार को दिन में भी गांव बावडोली के ग्रामीण एसपी दीपक सारण को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। लगातार जिस तरह से चोरी की वारदात बढ़ रही है, ग्रामीणों में रोष भी है। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस पूरे मसले पर क्या करती है। सुनील, रात को जो गोली मारी है आपके, क्या पूरा मामला है? ये साहब, पड़ोस में चोरी कर रहा था, मेरे पास भाई का फोन आया, मैं उठ के गया तो ये सामना था आन लगा, सामना साई तो इन्हें गोली चला दी। मैं वापिस गया, वापिस मुड़ के फिर इनके पीछे भाग गया, तो उन्होंने दूसरी फायर मारी, यहाँ लगी कंधे में। कितने लोग थे? चार लोग थे। तो कोई चोरी मतलब डकैती भी करके ले गए? नहीं, अब बड़े ही थी, थोड़ी बहुत देरी हुई थी इनको। कितने बजे घटना है ये? 1:15 बजे। 1:15 बजे पुलिस को खबर करी? पुलिस को खबर करी, 112 फोन किया था। कितने देर में आई पुलिस? पुलिस तो 1 घंटे तक तो आई नहीं थी, मैं यहाँ आ गया था हॉस्पिटल में, उसके बाद गई है। जैसे थाना में कंप्लेंट करी है ना, फोन किया है तो थाने वाले गए हैं। पहले हमने 112 पर कॉल करी थी तो वो लेट पहुँचे, आई नहीं, थोड़ा ही थाना वाले गए पहले। अब यहाँ पे आ ली पुलिस आपके पास? हाँ, यहाँ पे आ ली, बयान लेगी सब कुछ। सूरज, सुनील क्या लगता है आपका भाई है? क्या मामला था रात को ये गोली वाला? रात का था जी, ये चोर घुस आए थे गांव में, हम दोनों भाई वहाँ से, पड़ोसी का फोन आया तो हम दोनों भाई जाने लगे, तो उन्होंने देख लिया हमें तो हमला कर दिया भाई के फायर की, तो उससे गोली लगी। गोली कहाँ लगी? गोली लगी सीने में, पीछे से आई थी यहाँ पे सीने में। कितने लोग थे मरने वाले? चार लोग थे। तो कोई सामान वामान भी लूट वूट भी करके ले गए? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही भाग गए वो। भाग गए? पुलिस में खबर कर दी? हाँ, पुलिस में आली पुलिस। हाँ, अब क्या है उस सुनील? अब तो ठीक है जी, अब तो ठीक। ये कल रात 18-19 की रात को गांव मोहिद्दीनपुर में कुछ 4 आदमी चोरी की नीयत से एक सुनील कुमार के रामविलास के मकान में घुस गए थे, और जब गांव वालों में जाग होगी तो वो लोग भागने लगे, और उन्होंने 2 राउंड फायर किए थे, और एक गोली जो मोहिद्दीनपुर के ही हैं सुनील कुमार, उनके लेफ्ट बाएं कंधे में गोली लगी थी, जो कि खतरे से बाहर है, सेफ है। आरोपियों को धरपकड़ के लिए हमारी जो CIS की हैं, हमने 5 टीमें गठित की हैं, जो कि जो संदिग्ध लोग हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अभी जो गांव में जो चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं, उसके लिए स्पेशल CIS की टीम को नियुक्त किया गया है, और गांव में ठिकरी पहरा भी लगवाया जा रहा है।